ब्रेकिंग घंटाघर पर दर्जनों महिलाएं और बच्चों ने किया एनआरसी और सीए का विरोध। हाथों में तख्ती बैनर लेकर महिलाएं और बच्चे कर रहे हैं एनआरसी और सीए का विरोध। देश के तमाम हिस्सों में हो रहा है विरोध और प्रदर्शन। मांगों को लेकर यहाँ पर बैठी हैं। सर, हमारे मुल्क में काफी टाइम से आप लोग देख रहे हैं कंटिन्यू, जब से ये दोबारा गवर्नमेंट बनी है केंद्र में, तो मुस्तकिल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती चली जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय एनआरसी और सीएए को लेकर के, जो पूरे भारतवर्ष में लोगों को परेशान किए हुए हैं। जी, किस तरह की प्रॉब्लम किस तरह की? सर, ये आप मीडियागण आज हमसे पूछने आए हैं, न जाने कितने लोग मार दिए गए, कितने लोग मुंडन करवा के आंदोलन कर रहे हैं, कितने लोग खाना बना के आंदोलन कर रहे हैं, कितने डिस्ट्रिक्शन कैंप में मर गए हैं। काश उसको आप लोग लेके आते तो मोदी जी और योगी जी तक ये बातें पहुंचती तो उनको दया आती कि मेरे राज्य में मेरे राजा होते हुए। सर, मैंने 2-3 दिन पहले श्री कृष्णा देखा था, जिसमें राधा रानी जी को वचन देते हैं श्री कृष्ण कि मैं तुम्हारे राज्य का एक भी व्यक्ति मरने नहीं दूंगा, जिसकी वजह से उनको रणछोड़ कहा जाता है। और आज हमारे राजा जी के होते हुए यहाँ पर लोग किस तरीके से, किस हालात में मर रहे हैं तिल तिल करके। काश ये मीडिया उन तक सही रूप से बात को पहुँचाती तो हम लोगों को भी कुछ योगदान मिलता और हम सही जिंदगी जी सकते। जैसे कि बराबर सरकार की ओर से कहा जा रहा है, इस बिल से किसी प्रकार का मुसलमानों को कोई खतरा नहीं, किसी क्या होता है आपने नहीं जाएगी। जो उसकी बुक्स है आपने पढ़ा, एनपीआर उसका फर्स्ट स्टेप है, जो गृह मंत्री जी की साइड से उसके स्टेप्स तैयार हुए हैं, कंटिन्यू हम लोग उसको पढ़ रहे हैं।